मेटल रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। तेबे क्यों धातु नॉर्मल कंडीशन रे लिक्विड फॉर्म रे रही थाए? तो यह होची मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी बा पारद होची एकमात्र धातु बा मेटल जहाँ कि नॉर्मल टेम्परेचर रे मध्य लिक्विड फॉर्म रे रही थाए। आउ यहाँ रो सिंबल होची Hg। तो मर्क्यूरी रो सिंबल होची Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन नॉन मेटल व्हिच एग्जिस्ट आज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तेबे क्यों नॉन मेटल जहाँ कि लिक्विड फॉर्म रे रही थाए नॉर्मल टेम्परेचर रे? तो यह होची ब्रोमीन। तो ब्रोमीन होची नॉन मेटल जहाँ कि लिक्विड फॉर्म रे रही थाए एवं मर्क्यूरी होची मेटल जहाँ कि लिक्विड फॉर्म रे रही थाए नॉर्मल टेम्परेचर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनिसिया? तो एनिसिया माने कौन? तो लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी को कहा जाए था एमिसिया। सेपरि ऑप्शन ए रे देछि लॉस ऑफ स्मेल। तो लॉस ऑफ स्मेल को कहा जाए था एनोस्मिया। तबे लॉस ऑफ स्मेल को कहा जाए था एनोस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया इज ए डिजीज ऑफ डैश। तबे मायोपिया को टाइप रा डिजीज अटे? तो यह हूँ आई रिलेटेड डिजीज। तो मायोपिया जहाँ कि शॉर्ट साइटनेस। तो मायोपिया हूँ शॉर्ट साइटनेस डिजीज। तबे शॉर्ट साइटेडनेस एवं लॉन्ग साइटेडनेस माने कौन? तो चलतु देखिबा। तो देखंतु मायोपिया इज ए शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस आई डिजीज इन व्हिच कंडीशन क्लोज ऑब्जेक्ट अफेयर क्लियरली बट फेयर वन्स डोंट। तो एठारे कौन कहला? तो मायोपिया हूँ गोटे शॉर्ट साइटेडनेस आई डिजीज जो थी कि पाख जिनस क्लीयर दिशी थाए कि दूर जिनस भल भाव देखा जाए ना। तो यह मायोपिया कह जाए। तापर नेक्स्ट देखु लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस को कहा जाए था हाइपरमेट्रोपिया। तो जो थी कि पाख जिनस ब्लर देखा जाए था किंतु दूर जिनस भल भाव देखा जाए। तो लॉन्ग साइटेडनेस रे पाख जिनस भल भाव देखा जाए ना किंतु दूर जिनस क्लीयरली देखा जाए। किंतु मायोपिया रे पाख जिनस क्लीयरली देखा जाए किंतु दूर जिनस भल भाव देखा जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। तेबे मिल्क रो प्यूरिटी को चेक करने पर क्यों इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए थे? ते हेउची लैक्टोमीटर। तेबे लैक्टोमीटर यूज करा जाए थे टू डिटेक्ट द प्यूरिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज फाउंड इन मिल्क। तेबे मिल्क रे क्यों एसिड मिली थाए? तो यार करेक्ट आंसर टी होची लैक्टिक एसिड। तो मिल्क रे क्यों एसिड रही थाए? लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन ए रे देछि देखंतु एसिटिक एसिड। तो यह रही थाए विनेगर रे। तो विनेगर रे एसिटिक एसिड रही थाए आउ लैक्टिक एसिड रही थाए मिल्क रे आउ दही रे मध्य लैक्टिक एसिड रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। तेबे मिल्क को कर्ड रे परिणत करबा पई क्यों बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल अटे? तो यार करेक्ट आंसर टी होची लैक्टोबैसिलस। तेबे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण रु मिल्क दही रे परिणत होइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज इन मेकिंग लीड ऑफ पेंसिल। तेबे पेंसिल तैयारी पई कार्बन रो क्यों एलोट्रोप यूज करा जाय थे? तो यह होची ग्राफाइट। तो ग्राफाइट रु पेंसिल तैयारी करा जाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ डैश। तेबे कुकिंग गैस क्यों दुईटी गैस रो मिक्सचर अटे? तो यह होची ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो कुकिंग गैस कोटा? तो यह होची एलपीजी। तो एलपीजी गैस जहाँकि आम रांधापी यूज करी था।
तो यह क्यों दुईटी मिक्सचर अटे तो यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन मिक्सचर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑथर द बुक द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 तेब किए लिखी थे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 तो यह लिखी थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस व्हिच डिफीटेड झांसी लक्ष्मीबाई तेब क्यों ब्रिटिश फोर्सेस रानी लक्ष्मीबाई को जो थरे हराई थिले तो यार करेक्ट आंसर टी होची हॉगरस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हॉगरस डिस्क्राइब हुम आर द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर्स ऑफ द रिबेल तेबे सर हॉगरस कहा को कही थिले द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर्स ऑफ रिबेल तो यह कही थिले रानी लक्ष्मीबाई को तो रानी लक्ष्मीबाई को कही थिले सर हॉगरस द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिटरी लीडर ऑफ द रिबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फेलर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 मसीह विद्रोह विफल होबार मुख्य कारण कौन थिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी लैक ऑफ एनी कॉमन प्लानिंग एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन तो यार कौन सी कॉमन प्लानिंग नथिला किंबा कौन सी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नथिला जोथिपई कि एही रिवोल्ट टी विफल होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो 1857 मसीह विद्रोह केउटा गोटे इकोनॉमिक कॉज नुहे तो ऑप्शन ए रे देछि हेवी टैक्सेशन तो यह कॉज अटे तपर ऑप्शन बी रे देछि बट डाउन ऑन मेजर पेट्रोनेज फॉर आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट तो यह मध्य इकोनॉमिक कॉज अटे तपर ऑप्शन सी रे देछि इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन तो यह कोनोसी इकोनॉमिक कॉज नुहे तो 1857 मसीहा विद्रोह होबार यह गोटे इकोनॉमिक कॉज नुहे तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्लेस विटनेस द इंसिडेंट ऑफ मंगल पांडे फायरिंग ऑफ एन ब्रिटिश ऑफिसर तेबे मंगल पांडे जो ब्रिटिश ऑफिसर को गुली करथिले तो केउ स्थान रे एहा होइथिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची बारकपुर तो बारकपुर ठारे मंगल पांडे ब्रिटिश ऑफिसर को उपरे फायरिंग करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मंगल पांडे ऑन सिपाही ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री स्टेशन एट बारकपुर किल लेफ्टिनेंट ऑन डैश तेबे मंगल पांडे होउछंती 34th नेटिव इन्फेंट्री सिपाही जे कि बारकपुर ठारे जणे इंग्रेज को हत्या करथिले तो यह क्यों दिन होइथिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी 29th मार्च 1857 तेबे 29 मार्च 1857 मसीहारे मंगल पांडे जणे लेफ्टिनेंट को हत्या करथिले क्यों स्थान रे बारकपुर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो एमानक मध्यरो कोटा करेक्टली मैच करूना तो एठारे प्लेस दिया जाइछि एवं तार लीडर दिया जाइछि तो कानपुर ठारे किए सिपाही विद्रोह नेतृत्व नहीं तो नाना साहेब तो यह करेक्ट रही लखनऊ रे बेगम हजरत महल तो यह मध्य करेक्ट रही ऑप्शन डी रे देछि दिल्ली रे बख्त खान तो यह मध्य करेक्ट रही किंतु ऑप्शन सी रे देखंतु मथुरा कदम सिंह तो यह इनकरेक्ट रही तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर तो कदम सिंह मथुरा रे लीड कर नथिले तो से मीरठ ठारे सिपाही विद्रोह नेतृत्व नहीं तो कदम सिंह मीरठ हेबो तेणु ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर जहाँ कि इनकरेक्ट रही। नेक्स्ट क्वेश्चन
बट ह्विच अफ द फलोइंग प्लेस व्वाज द रिभर लेड बाय कनवर सिंह तेज कनवर सिंह के स्थान में 1857 मसीह विद्रोह नेतृत्व नहीं थे तो कनवर सिंह बिहार ठारे 1857 मसीह विद्रोह नेतृत्व नहीं थे तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज डैश तेबे क्यों एक्ट अनुसार भारतर पावर माने भारतर शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ जहाँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ को जाता तो से ही एक्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो 1858 मसीह भारत शासन आईन अनुसार भारतर शासन ब्रिटिश कंपनी हाथ रु ब्रिटिश राणी हाथ को जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेघर प्रतिशब्द लिख तो मेघर प्रतिशब्द कौटा तो मेघर प्रतिशब्द हूँ जलद तो जलद हूँ मेघर प्रतिशब्द। तापर देखो ऑप्शन सी दे अनिल तो यह हूँ पवन प्रतिशब्द तो अनिल माने पवन तो से हीपरी अनल माने निया तो ये कन्फ्यूज हे ना तो अनिल माने पवन तो अनिल हूँ पवन प्रतिशब्द अनल माने निया तो निया रा प्रतिशब्द हूँ अनल कॉपी तो यह हूँ बानर प्रतिशब्द तो कॉपी हूँ बानर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूर प्रतिशब्द कौन तो मयूर प्रतिशब्द हूँ सिखी तो मयूर को सिखी कहा जाए तो सिखी तपर केकी तो मयूर को केकी मध्य कहा जाए तपर रजनी एवं जामिनी आउ निशा तो ये तीनोटी हूँ रातिर प्रतिशब्द तो रजनी रजनी जामिनी निशा तो ये तीनोटी हूँ रातिर प्रतिशब्द आउ सिखी हूँ मयूर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जलर प्रतिशब्द कौन तो जलर प्रतिशब्द हूँ बारी तो जलर प्रतिशब्द कौन बारी तपर नीर पानी तो यह सब हूँ जलर प्रतिशब्द आउ जलर प्रतिशब्द हूँ जीवन तो जल को जीवन मध्य कहा जाए तपर धेनु तो देखो तो धेनु हूँ गायर प्रतिशब्द तो गायर प्रतिशब्द हूँ धेनु ऑप्शन डी रे देखो धरणी तो धरणी हूँ पृथ्वीर प्रतिशब्द तो पृथ्वी को धरणी कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तनयर प्रतिशब्द कौन तो तनय क्या कहा जाए पुओ को आ तनया कहा जाए झियो तो तनय माने पुओ एवं तनया माने झियो तो यठार तनयर प्रतिशब्द कौन है पुओ तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्युषर प्रतिशब्द कौन तो प्रत्युष माने सकाल तो प्रत्युष माने सकाल तो सकाल प्रतिशब्द व प्रत्युषर प्रतिशब्द हो प्रभात तो प्रभात माने सकाल तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। तपर मेघ आउ बिजुली तो यह हूँ मेघर प्रतिशब्द तो बिजुली हूँ मेघर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आवाहन यार विपरीत शब्द कौन है तो आवाहन विपरीत हो विसर्जन तो आवाहन विपरीत हूँ विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कृपण विपरीतार्थ बोधक शब्दटी कौन तो कृपण विपरीत हो
बदान्यो। तो कृपणर विपरीत होउछि बदान्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदार विपरीत अर्थ बोधक शब्दटी कौन हेबो? तो निदार विपरीत होइजबो पोला। तो निदार विपरीत होउछि पोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कामर विपरीत शब्द लेख। तो निष्कामर विपरीत होइजबो सकाम। निष्काम सकाम। तो ऑप्शन डी होइजबो एठारे करेक्ट आंसर। तो निष्कामर विपरीत होउछि सकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यर विपरीत शब्द लेख। तो साम्यर विपरीत होइजबो वैषम्य। तो साम्यर विपरीत होउछि वैषम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सुअकु बाली बंध, एही लोकवाणी कहाकु करे प्रचलित? तो नई सुअकु बाली बंध, एही लोकवाणीर अर्थ कौन? तो यार अर्थ होइछि वृथा परिश्रम। तो नई सुअकु बाली बंध, एही लोकवाणीर अर्थ होइछि वृथा परिश्रम करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू जेते माठीबु माट, मु सेही दरपड़ा काट, एही लोकवाणीर अर्थ कौन? एहार अर्थ होउछि स्वभाव सहजरे बदले नाही। तेबे तू जेते माठीबु माट, मु सेही दरपड़ा काट, एही लोकवाणीर अर्थ होउछि स्वभाव सहजरे बदले नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलिला पाणीरे गोड़ न देबा, एही लोकवाणी कहाकु करी प्रचलित? तो हलिला पाणीरे गोड़ न देबा, एही लोकवाणीर अर्थ होउछि गंडगोलरे न पसिबा। तो हलिला पाणीरे गोड़ न देबा, एही लोकवाणीर अर्थ होउछि गंडगोलरे न पसिबा। आउ ए क्वेश्चन टी प्रीवियस ईयर रे आसिसारिछि, तो एहाकु निहाति मने रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेमिति ठाकुर सेमिति पूजा, बालीगरड़ाकु चाउल भजा। तो एही लोकवाणीर अर्थ कौन? तो जेमिति ठाकुर सेमिति पूजा, बालीगरड़ाकु चाउल भजा। तेहार अर्थ होउछि गुण घेनी आदर। तो एही लोकवाणीर अर्थ होउछि गुण घेनी आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध थरे बाड़ी हो जाए, एही लोकवाणी कहाकु करी प्रचलित? तो अंध थरे बाड़ी हो जाए, एही लोकवाणीर अर्थ कौन? तो यार अर्थ होउछि अभिज्ञतारु सतर्क हेबा। तो अंध थरे बाड़ी हो जाए, यार अर्थ होउछि अभिज्ञतारु सतर्क हेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम स्टैंड फॉर टेस्ट। तबे रैम रो फुल फॉर्म टी कौन? तो रैम रो फुल फॉर्म टी होउछि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन डी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यह होउछि रैम रो फुल फॉर्म। और रैम होउछि गोटे प्राइमरी मेमोरी। आउ एहा होउछि वोलाटाइल मेमोरी। तो कंप्यूटर ऑफ करि देले एथिरे थिबा डाटा गुड़िक इरेज हो जाए, तेणु रैम होउछि गोटे वोलाटाइल मेमोरी। आउ से परे रोम, तो रोम माने होउछि रीड ओनली मेमोरी। तो एहा मध्ये होउछि गोटे प्राइमरी मेमोरी। आउ एहा होउछि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो एथिरे डाटा गुड़िक परमानेंट पाई रही थाए, तेणु रोम होउछि गोटे नॉन वोलाटाइल मेमोरी। किंतु रैम, तो रैम होउछि गोटे वोलाटाइल मेमोरी। तो एथिरे डाटा गुड़िक किछि समय पाई रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाइट इक्वल टू डैश। तो वन बाइट समान एट बिट। तो ऑप्शन ए होइजो बैठरे करेक्ट आंसर। तो वन बाइट समान कितने बिट? एट बिट। तो से पर देखंतु ऑप्शन बी रे देछि फोर बिट। तो फोर बिट समान वन निबिल। फोर बिट समान वन निबिल। आउ एट बिट समान वन बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एम पी एस स्टैंड फॉर डैश। तो एस एम पी एस रो फुल फॉर्म टी
कौन तो यार फुल फॉर्म टी होची स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS रो फुल फॉर्म टी होची स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो ऑप्शन ए हो जीव एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज डैश। तेबे क्यों डिवाइस द्वारा डिजिटल डाटा को एनालॉग रे चेंज करा जाय थे, तो यह हेउची कौन, तो यह हेउची मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डैश। तबे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो फादर कहा को कहा जाए थे, तो से हो जानती डेनिस रिची। तो फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जानती डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज डैश। तबे गोटे डिवाइस जहाँकि सीपीयू रे कनेक्टेड हो न थाए तो यह कौन कहा जाए, तो यह हूँ ऑफलाइन डिवाइस, तो ऑप्शन सी हो जाए करेक्ट आंसर। ए डिवाइस व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज ऑफलाइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज डैश। तबे ALU एवं कंट्रोल यूनिट को जॉइंटली कौन कहा जाए थे? तो यह क्यों थी रही था सीपीयू रे रही था, तेणु करेक्ट आंसर टी हो जीवो सीपीयू। ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज सीपीयू, तो ALU माने हेउची एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट जाकी सीयू, तो ये दुईटी मिसिकी होता है सीपीयू, तो करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो रैम गोटे की प्रकार रो मेमोरी, तो यह हूँ गोटे प्राइमरी मेमोरी, तो ऑप्शन बी हो जीवो एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तबे मैग्नेटिक डिस्क की प्रकार रो मेमोरी अटे, तो यह हूँ सेकेंडरी मेमोरी, तो मैग्नेटिक डिस्क हूँ गोटे सेकेंडरी मेमोरी, किंतु रैम एवं राम तो ये दुईटी हूँ प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। तो एमानंक मध्यरु कोटा कंप्यूटर लैंग्वेज नुहे, तो देखंतु बेसिक कोबल एवं सी प्लस प्लस, तो ये सब हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज, किंतु MS Excel तो यह कंप्यूटर लैंग्वेज नुहे, तो यह हूँ गोटे एप्लीकेशन, तो यह हूँ गोटे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज व्हील टिपिकली हैव द एक्रोनिम। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन है ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे, आउ वीडियो टी हेल्पफुल लागिथिले निहाती याकु गोटे लाइक कर देबे, आउ चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। ओके, धन्यवाद।